राम राम मित्रों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम करने वाले हैं रैंक मैच में अपने छोटे से स्क्वाड में। तो शुरू करते हैं वीडियो ये आधी अधूरी इंट्रो के साथ। और यहाँ मैं आसमान की ऊंचाइयों में और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और एक कोहरा में हमको तो दिखाई दिया सेंटोसा। सेंटोसा में अपन लोग उतरे हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिए हैं। तो अपन लोग चलते हैं, मैं VIP NK और पागल लुंडा और एक रैंडम बंदा था उसके साथ सेंटोसा थोड़ा सा लूट करने के लिए। तो ये जैसे कि वीडियो रिकॉर्डेड है तो हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पर बंदा हमको मिलता नहीं है। और ये क्या हमको लूट में क्या मिला है? फेमास, वो भी 3-3x, मतलब 3x, यानी कि सुपर पावर फेमास। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि फेमास लें कि स्कार लें। तो स्कार एक बंदा मेरा चलाता है VIP NK, उसको बुलाते हैं, लोकेट कर देते हैं, वो ले लेगा स्कार। अपन कंफ्यूज है कि इसका फेमास चलाएं या ना चलाएं। अरे भाई, मेरे पास 4x स्कोप भी है। देखो ये बंदूक तो कोई भी हो, चलाने वाले के पर फर्क पड़ता है। अपन तो ठहरा बहुत बड़ा प्रो प्लेयर, किसी को भी मार देगा या फिर खुद मर जाएगा। थोड़ा सा लूट करते हैं, यहाँ पर हमको कुछ कुछ मिलता है। कुछ कुछ मिलने के बाद हमको यहाँ पर लैंडलाइट मिलता है। यहाँ पर 3-3 लड्डू पेड़ा छोड़ दिए हैं। अगर कोई भी आदमी लड्डू पेड़ा खाएगा तो वहीं पर मर जाएगा क्योंकि उसमें जहर लगा दिया है मैंने। लैंडमाइट को बोल रहे हैं हम, ऐसे समझ जाने वाले समझ गए होंगे। अपना एक टीम का बंदा मर चुका है, शहीद हो चुका है कहे तो, मर चुका है, तो उसको मैंने रिवाइव कर दिया है। हम लोग तो यहाँ पर 3-3 साथ में हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई एनिमी आया नहीं है। क्योंकि किसको पसंद है कि वो वहाँ पर लॉबी में वापस जाए? अपन लोग से भिड़ने का किसका ताकत है? किसी का नहीं। तो अपन लोग आराम से यहाँ पर लूट कर लिया है, यहाँ पर बहुत सारा लूट हो चुका है, कुछ भी कर सकते हैं अपन लोग। बंदूक तो और गोली तो इतने मिले हैं कि आसमान में छेद तक कर सकते हैं। बस एक प्रो प्लेयर का स्क्वाड ना मिले, नहीं तो मैं उन लोग को वहीं पर मार डालूंगा। अब ऐसे क्यों हंस रहे हो यार? मतलब देखो भाई, मारने के बाद तुम लोग ये बोल देते हो कि मैं नूब को मारा हूँ। भाई मैं भी जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ, नूब को मारूंगा तो फिर मेरी इज्जत क्या रहेगी? इसलिए आप लोग मारेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रो प्लेयर को, भले नूब से भले मर जाएगा लेकिन नूब को मारेगा नहीं, और प्रो प्लेयर को मारेगा। अब भाई मेरे बैग में रखने का जगह नहीं, इतना लूट हो गया है मेरा। तो मैंने एक बैग खरीद लिया लेवल 3 का। अब मैं भर भर के सामान रखूँगा अपने बैग में, बहुत सारी चीज़ें रखूँगा, जितनी चीज़ें मुझे मिलेंगी वो सब सब रख लूँगा। स्नाइपर का स्कोप 4x, स्कोप 2x, स्कोप 8x। अब फेमास को थोड़ा मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मैं हम राफेल रखे हैं करेक्टर में, तो डिचुक डिचुक करके मारूँगा मैं, डिचुक डिचुक करके मरेगा बंदा। तो मेरे को मेरा SKS ठीक है, अब कोई चलाएगा नहीं फेमास, तो रहने दिया मैंने। और स्नाइपर चला रहा है मेरा एक बंदा, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा एमओ ले लिया है VIP NK। बहुत बड़ा प्रो प्लेयर है वो, क्या बताएं उसका खासियत। एक दो बंदा को ऐसे मारता है जिससे पता नहीं चलता है कि हेड मारा है कि टेल मारा है। अब भाई यहाँ पर जोन काटने लगा है, तो थोड़ा जोन से निकल लेते हैं, फिर अपना स्क्वाड के बारे में इंट्रो देते हैं। तो यहाँ से जोन से बाहर निकल चुका हूँ, और जो मैंने इसके लिए स्नाइपर का लाया था एमओ उसको दे दिया। अब थोड़ा इंट्रो देते हैं अपना बंदा के बारे में। विचित्र हैं मेरे स्क्वाड के बंदे, एक पागल लौंडा है, नाम जैसा है वैसा काम भी है, गजब बंदा है वो। रिवाइव ऐसा करेगा जैसे कि हम वो मेरे से उधार लेकर रखा है, रिवाइव तुरंत रिवाइव कर देगा। बंदा मारने बोलो तो हाथ पैर कांपने लगता है, बंदा आ गया, बंदा आ गया, बंदा आ गया। तो ये होगी मेरी प्रो प्लेयर वाली स्क्वाड की बात। तो अब बंदा अभी तक भेंट नहीं हुआ था, बंदा से भेंट करते हैं, मतलब बंदा मेरे से भेंट करने आ गया। अपन लोग जब ऐसे ही नाचते झूमते हैं ऊपर तरफ जा रहे थे, तब एक बंदा दिखाई दिया मेरे को। तो वो हमको लगा कि बंदा ठीक ठाक होगा, तो मारने शुरू किया मैंने। अब देखो ग्लोबल लगा लिया, ग्लोबल लगा लिया मतलब प्रो प्लेयर है, लेकिन अपन भी ठहरा प्रो प्लेयर। अब शेर को कोई मार सकता है क्या? मर गया ना। जा भाई तू अब लोबी में चल जा, वापस जा लोबी में, पेटी बना दिया ना तेरे को। अब भाई लोबी में जा, थोड़ा मैं मेडकिट लगा लेता हूँ, लेकिन मेरे पास मेडकिट था नहीं। यहाँ पर खतरनाक मूवमेंट करेंगे और यहाँ पर मेडकिट मांगने, भीख मांगने वाला काम करेंगे। यहाँ पर मेडकिट देने के लिए आएगा VIP NK, मेडकिट ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं और बंदा है कि नीचे तरफ से। तो बंदा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं थोड़ा और देर के लिए। अरे भाई हल्के मत लो, मैं तेरा भाई बहुत बड़ा प्रो प्लेयर है, JH कैप्टन जो है ना बहुत बड़ा प्रो प्लेयर है। देखो ना कैसे ने एक बंदा को किल कर दिया मैंने, बहुत बहुत ज़्यादा किल किया है मैंने, एक किल कर लिया है मैंने। अब कोई टेंशन नहीं, माइनस तो लगने से रहा नहीं, बंदा किल कर लिया मैंने ना। अब चलते हैं आगे तरफ, देखा जाए कि अब क्या होता है थोड़ा थोड़ा मेरा करेक्टर के साथ। आगे जाते जाते मेरे को आगे से सुनाई दिया बंदूक की आवाज़ ही, और मैं चला बंदूक की तरफ, मतलब बंदे की तरफ। यहाँ से मारूंगा चुप चुप,
लेकिन नहीं मरा हूँ। अब थोड़ा वो डैमेज दे देते हैं। क्या खा के यार, मर नहीं रहा है। पर मेरा बंदा लोग तो बहुत बड़ा प्रो प्लेयर, आपको पहले से ही बताया, हाथ पैर काटने लगता है मानने से हम लोग रहा नहीं। अब भाई फाइट स्टार्ट हो गया, मेरा बंदा लोग एक नॉक नहीं होगा ऐसे कैसे चलेगा। वी आई पी एन के पेटी बन चुका है। अब भाई उसको रिवाइव भी करना है और यहाँ पर जाके पागल अंडा बोल रहा है कि मेरे पास बंदा है। अब भाई हम यहाँ पर एक बंदा को नॉक करेंगे, उसके बाद उसको जाएंगे। पहले इसको बहुत डैमेज दिया है। चलो भाई ये नॉक हो गया, अब वी आई पी जो भी सॉरी सॉरी पागल अंडा के पास चलते हैं। अब पागल अंडा बोल रहा है मेरे पास बंदा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। बहुत डैमेज दिए हैं, बहुत डैमेज दिए हैं। अब भाई यहाँ पर एम पी भाई दस करने पर तू नॉक हो गया, मर गया। किल चोरी करने में तो अलग ही मजा आया। यहाँ पर मेरा ओवर कॉन्फिडेंस अब भाई गजब का मेरा मतलब प्रो प्लेयर वाला फील हो रहा है मेरे को। यहाँ पर मैंने तीन तीन किल कर लिए हैं भाई। अब जब किल कर ही दिए हैं, थोड़ा मोड़ा लूट कर लेते हैं, उसके बाद रिवाइव करेंगे। हाँ जानते हैं मेरे पास कोयन बहुत सारे हैं, रिवाइव तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन बात है कि पहुँचना बहुत दूर है। तब हम सोचे कि यहीं से मेरे पास जो है ना वो जो जो भी होता है उससे हम रिवाइव कर दें। लेकिन यहाँ से बंदा एक भाग रहा था, उसको थोड़ा डैमेज देने की कोशिश की। तब उसके पास जो भी है वो गाड़ी वाला ट्रैक्टर था, नहीं मार पाए। तो अब यहाँ से रिवाइव करने की कोशिश की तो ऊपर में बंदा दिखाई दिया। तो पहले हम ग्लोवा लगा लेते हैं, रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ रिवाइव नहीं हो रहा था वी आई पी एन के। तो अब सोचे कि आगे जाके रिवाइव करेंगे। लेकिन जो ऊपर वाला बंदा है उसको तो पहले सोचे कि उसी को पहले मारूंगा मैं। तो वहाँ जाने के लिए मेरे को रास्ता दिखाई दिया। तो वी आई पी एन के मेरे को बोल रहा है कि मत जा वहाँ पे। तो मैं तो ठहरा प्रो प्लेयर, तीन किल कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ से उड़ के सुई अभी तुमको पेटी बनाता है, अभी तेरे को पेटी बनाता है। अरे ये क्या हुआ? म्यूजिक मेरे साथ यहाँ पर मोए मोए हो गया। अब ये बंदा तो पूरा खुश हो गया, मेरे जैसे प्रो प्लेयर को इसने मार दिया है। अब पक्का उन नूब होगा इसलिए हमको मारा है भाई। छुप के रह के मारा है मतलब नूबे होगा ना यार, प्रो प्लेयर को मारना आसान बात नहीं है। अब थोड़ा अपना गेम प्ले इन लोग फास्ट कर देते हैं। अब पागल लौंडा का गेम प्ले देखते हैं। पागल लौंडा गजब का खेलता है यार, का ही बताएं। देखो सामने से टोकन तो नहीं दिखाई दिया, फिर बताएं तब गया। अभी इसके पास 400 टोकन है, तो रिवाइव तो ये कर नहीं पाएगा। तब यहाँ पर जाता है, कोशिश करता है एक दो किल ले और वहाँ से उन लोग का टोकन छीने और रिवाइव करे। टोकन छीनने के बाद नहीं, यहाँ बंदा दिखाई दिया, धक 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 धक। अभी इसका दिल तो 500 का स्पीड से धड़क रहा होगा। अभी एक बंदा पीछे से मार रहा है, लेकिन ग्लोबल नहीं लगाएगा। ग्लोबल पूछे तो ग्लोबल बोल रहा है मेरे पास नहीं है। अब करेक्टर का यूज भी नहीं किया, ये करेक्टर यूज बचा लिया ये। अब आपका टीम में ऐसा कोई बंदा जरूर होगा लेकिन ग्लोबल रहते हुए भी ग्लोबल लगाएगा नहीं। अब देखते हैं कि ये बंदा क्या करता है, रिवाइव करता है कि इसके पास तो टोकन बहुत सारा है। दो तीन सालों बाद अपन लोग फिर से आसमान की ऊंचाई में और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और उतरने वाले हैं अपन पिक की चोटी में। मतलब पिक मतलब होता है पहाड़ की ऊंचाई। और यहाँ पर थोड़ा मोड़ा लूट करेंगे अपन लोग। लूट करने के बाद अपन लोग बंदा सब किल करेंगे। किल तो होना से रहा नहीं, ऐसे भी अपन तीन किल कर चुका है, मतलब अपन तो प्रो प्लेयर है भाई, छोड़ो मेरी बात तो अलग ही है। तब तक आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आप लोगों का टीम में ऐसा कोई बंदा जरूर होगा जो ग्लोबल रहते हुए ग्लोबल का यूज नहीं करता है। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये मैच हम लोग जीतने वाले हैं कि हारने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए गेम प्ले देखते हैं। यहाँ पर एक बंदा हम लोग को फायर किया था थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ा सा मेडकिट लगा लिए हैं। अब आगे बंदा है वह उन लोग से बचने के लिए थोड़ा सा मेडकिट वुडकिट, मैंने एमओ का मेरे पास कमी था, तो एमओ हम वी आई पी एन के से फिर मांग लेते हैं। भाई भिखारी वाला काम तो मेरा जाएगा नहीं। अब देखो एक मिनट के लिए हम शांति से बैठे नहीं कि मेरा एक बंदा नॉक हो चुका है, एमओ लेते लेते एक बंदा मेरा मर चुका है। अब देखते हैं कि आगे तरफ बंदा कौन है। हमको लग रहा है कि एक स्क्वाड है शायद। यहाँ थोड़ा सा डैमेज दिए हम, तो मोको से बता दिया उसका लोकेशन, तो हम उसके तरफ जा रहे हैं। हम मतलब पूरा टीम हम लोग जा रहे हैं, तीन तीन बंदे हम लोग जाते हैं। लग रहा है कि बंदा अच्छा खेल रहा है क्योंकि अभी तक जिंदा है। अच्छा हुआ कि किसी और ने मतलब वी आई पी एन के ने इसको मार दिया, नहीं तो हम तो मार ही देते हैं इसको। फिर से बोलता है किल चोरी हो गया। भाई अपन लोग गांव का लोगों का ही दिक्कत है, किल हुआ कि नहीं सबको यही बोलता है कि मेरा किल तुम चोरी कर लिया। खैर ये सब बात होते रहेगी कि तुम्हारा किल मैंने लिया, मेरा किल तुमने लिया। बात यह है कि ये मैच किसी तरह से जीतना है। अब उन लोग दो बंदा है, हम लोग तीन बंदा है। अरे सॉरी सॉरी, मतलब हम लोग का भी दो बंदा है, उन लोग का भी दो बंदा है। हम और वी आई पी एन के पागल हुंडा टपक गया। अब यहाँ से हम सोचे कि उधर जाके मारें, उछल के पार होके मारें, लेकिन फिर हमको याद आया कि अरे भाई पीक में उछल के गए थे और वो भी हमको उछल के टपक से मार दिया था, हमको मोया मोया कर दिया था। तो अब सोचे कि यहाँ से ग्रेनेड फेंक लेते हैं। देखो वो उछल के आया था, अब ग्रेनेड की वजह से भले ही वापस चल गया, लेकिन उधर हम जाते तो गलती करते, फिर से हम वही गलती दोहराते हैं जो पिछले बार दोहराए थे, मतलब फिर से हम मारे जाते।
अब उन लोग वहाँ पर दो है, तो हम फिर सोचे कि ग्रेनेड एक और फेंक देते हैं, जाकि इधर से आएगा तो फिर उन लोग को ग्रेनेड से थोड़ा मोड़ा डैमेज खा जाए। लेकिन उन लोग है कि भाग गया। अब इतना देर बाद एक बंदा है जिसके ऊपर मेरा हेडशॉट बैठा, चपाक करके बैठ गया था। अब उन लोग का एक बंदा बचा और हम लोग का दो बंदा, जो कि हम और वी आई पी एन के हैं। तो यहाँ से हम सोचे कि एक नेट फेंक देते हैं। अब नेट जैसे ही हम फेंके हैं तो उसको 62 का डैमेज लगा। अब जाके हम सोचे कि रस कर देते हैं, डैमेज जब लगा है तो रस करते हैं। उधर से वी आई पी एन के गया, और इसके बाद भाई वो एक के बाद एक हम लोग दोनों को हेडशॉट मारता, और यहीं पर हम लोग दोनों का गेम खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।